हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमास किचन। और आज मैं बताऊंगी आपको इंस्टेंट रॉ मैंगो पिकल आम का अचार बनाना। वैरायटी ऑफ स्पाइसेस इसमें डलाता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स से भरपूर है ये अचार। इसे हर डिश में खाया जाता है। देसी स्टाइल में इसे बनाएंगे खूब सारे मसालों के साथ। मसालों में होता है विटामिन्स एंड मिनरल्स, एंड मैंगो में होता है विटामिन सी एंड विटामिन के। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, वेरी गुड फॉर स्किन एंड ओवरऑल हेल्थ, क्योंकि इसमें इतने सारे विटामिन एंड मिनरल्स ऐड हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी, रो मैंगो पिकल। सबसे पहले मसाले ले लेंगे, सौंफ लेंगे। सौंफ में होता है विटामिन ए एंड विटामिन सी। उसके बाद लेंगे मेथी। मेथी में होता है पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसके बाद लेंगे धनिया। धनिया में होता है विटामिन ए एंड आयरन। इसका सीड लिया है यहाँ पर मैंने, और लिया है क्यूमिन ज़ीरा। ज़ीरा में होता है बहुत सारे विटामिन ए से लेके ई तक विटामिन। और अब लिया है अजवाइन। अजवाइन में होता है सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। सबको अच्छे से भूनना है, गैस कम करके रखना है, अच्छे से इसको रोस्ट कर लेना है पैन में। इसके बाद अब इसमें लेंगे चिली। चिली को मैं इसी में मिक्स कर दूँगी, ऊपर से कोई चिली नहीं डाला है। यहाँ पे मैंने लिया है 4 से 5 रेड चिली, ड्राई वाले। चिली में होता है विटामिन ई एंड विटामिन सी। एजॉर्बिक एसिड होता है जिसमें होता है विटामिन सी। सबको अच्छे से कम गैस करके लो फ्लेम पे इसको रखा है, ताकि अच्छे से ये पॉप अप हो जाए सारे मसाले। इससे अच्छा एक अरोमा आएगा। इस तरह से इसको भूनने से सारा इसका जो मसालों का ऑयल होता है वो उभर के निकलता है। इसको मैं डाल दूँगी ग्राइंडर में, उसको पीस के बारीक पाउडर बना लेंगे। पीस के तैयार है हमारा मसाला, ये पिकल मसाला हमारा तैयार है। अब लेंगे रो मैंगो कच्चा आम, और इसको कट कर लिया है मैंने छोटे छोटे पीसेस में। और अब इसको एक बर्तन में रख लेंगे, सूखा ड्राई बर्तन लेना है। और सारा मैंने धो के साफ कर लिया था पहले ही, काटने से पहले ही साफ कर लिया था आम को। और यह हमारा आम कट के हो चुका है तैयार। जितना बड़ा बड़ा पीस चाहिए आपको अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट से अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। अच्छे से पिंक सॉल्ट को इसमें मिक्स कर लिया है। ऊपर से आप डालेंगे मसाला जो हमने बनाया था रोस्ट करके पीस के। सारे मसालों का विटामिन एंड मिनरल्स ऐड हो जाएगा हमारे रो मैंगो में। ऊपर से डाला है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल से जो मसालों का फ्लेवर है बहुत अच्छे से उभर के आएगा, और अचार में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा। थोड़ा और ऑयल मैंने ऊपर से डाल लिया है इसमें, और सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। सबको कंबाइन कर लिया, आपस में ब्लेंड हो जाएगा मसाला और अचार। ये एकदम इंस्टेंट अचार है, 1 घंटे में ये तैयार हो जाता है, गलना स्टार्ट हो जाता है। इसको स्टोर करके आप बहुत दिन तक रख सकते हैं। ऊपर से मैंने डाला है हल्दी। हल्दी होता है एंटीबायोटिक, बहुत अच्छा होता है अचार में डालने से। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये तैयार है हमारा सिंपल वाला रो मैंगो पिकल इंस्टेंट अचार। इसको आप धूप में भी रख सकते हैं, अगर नहीं रख पाए तो भी कोई बात नहीं, ऐसे भी ये बहुत दिन तक चल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड हेल्दी ये हमारा आम का अचार। इसको आप इंजॉय कर सकते हैं डोसा के साथ, दाल राइस के साथ, सभी चीज़ों के साथ आप इसे आराम से इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद मैंने बनाया दूसरा वाला आम का अचार, जो थोड़ा स्पाइसी रखा है मैंने। कलर भी इसका बहुत ही अच्छा रेड आया है, और ये देखने में भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि इसमें स्पाइसी ऐड किया है मसाला। सबसे पहले लिया है कोरिएंडर सीड, धनिया। उसके बाद लिया है मेथी, थोड़ा सा लिया अजवाइन, थोड़ा सा लिया है ज़ीरा। ज़ीरा में जैसे बहुत सारे विटामिन्स में पाए जाते हैं। सभी मसालों को मिला के बहुत ही ज़्यादा विटामिन्स एनहेंस हो जाता है, एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल जाते हैं। फिर लिया है लौंग। लौंग में बहुत ही ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। इसमें ऑयल होता है जो बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। सबको अच्छे से रोस्ट कर लिया है, अच्छे से कुक कर लेना है इसको।
ताकि इसका अरोमा बहुत अच्छे से आए और सारा अच्छे से टोस्ट हो जाए। पैन पे इसको ऐसे हल्का हल्का चलाना है, चारों तरफ से इसे भून लेना है। ऐसे भूनने से जब इसका पाउडर बनाएंगे इसका बहुत अच्छा अरोमा आएगा पाउडर में से, और जब अचार बनाएंगे तो अचार का भी स्मेल बहुत अच्छा आएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा सारे मसालों का अचार में ब्लेंड होके। और ये भून के तैयार है हमारा रोस्ट होके। अब इसको डाला है ग्राइंडर में, अब इसको पीस लेना है। पीस के ये पाउडर कर लिया तैयार, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। इसको स्टोर करके भी आप रख सकते हैं बहुत दिन तक। अब आम को काट के रेडी कर लिया है, अब इसको डाल देंगे बर्तन में। इसको मैंने छोटे छोटे पीस में कट किया है। अब डाला है पिंक सॉल्ट, सॉल्ट आप अपने हिसाब से रखें, जितना सॉल्ट देना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो बेटर रहेगा। थोड़ा मसाला जो मैंने अभी अभी बनाया था भून के पाउडर बनाया था अचारी मसाला, उसको डाल दिया है। मसाले डालने के बाद अब डाला है रेड चिली। रेड चिली से इस पर बहुत अच्छा कलर आएगा। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ऊपर से अब डाल दिया है ऑयल। ऑयल से सारा मसाला आपस में बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाएगा अचार में। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके सारा कुछ अच्छे से बाइंड हो जाएगा, आपस में मिल जाएगा। और ऑयल लेंगे, इसमें थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, ऊपर से और ऑयल मिला के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। अभी इंस्टेंट है, थोड़ा सा स्पाइसी है ये, कलर इसका अच्छा आएगा इससे। कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ किया है यहाँ पे, और ऊपर से डाला है हल्दी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके तैयार है हमारा इंस्टेंट स्पाइसी रॉ मैंगो पिकल देसी स्टाइल में। रेडी टू ईट है ये, इंस्टेंट बन गया है। इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं महीनों तक, जब तक ये बचा रहे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है इसमें से, बहुत ही टेस्टी एंड माउथ वाटरिंग ये पिकल है तैयार। इसके बाद मैंने बनाया है एक तीसरा स्टाइल में पिकल। थोड़ा सा मसाला इसमें रखा है, थोड़ा सा मेथी, थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा सरसों, मस्टर्ड सीड इसमें मैंने डाला है, इससे एक अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। अजवाइन डाला है। सबको अच्छे से रोस्ट कर लिया है पैन पे। इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसे ऐसे स्टोन पे, सिलपट्टा बोलते हैं इसको, इस पर कूट लेंगे। थोड़ा रफ ही रखा है इसको, स्मूथ नहीं किया है, इससे एक अच्छा फ्लेवर आएगा मसालों का जब पाइट लेंगे अचार में तक। ऊपर से डाला है एक आम काट के, छील के इसको अच्छे से, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाला है, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। और ये रेडी टू ईट अचार है हमारा तैयार। बहुत ही सिंपल एंड ईजी रेसिपी, मिनटों में होने वाला तैयार। और ये थप सारे अचार का रेसिपीज, तीन अचार के रेसिपीज मैंने बताया, साथ में अचार के मसाला का रेसिपी भी मैंने बताया इस वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड हेल्दी होता है देसी स्टाइल में बनाया हुआ है पिकल। मार्केट से तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, घर पे बनाया हुआ है। सारे मसालों का विटामिन मिनरल्स इसमें, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम, बहुत सारे विटामिन सी एंड विटामिन ई। घर पे बनाइए टेस्टी माउथ वाटरिंग अचार। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूर्णिमा किचन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। डू कमेंट योर फीडबैक एंड रिकमेंडेशन। थैंक यू, बाय बाय।